हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाएंगे उसमें इस तरह की झाड़ियाँ और इस तरह के लकड़ी का यूज करके हम बहुत ही सुंदर सा क्राफ्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे बनाने के लिए एक टप लिया है और उसमें थोड़ा सा बॉल पुटी लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स किया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसका घोल तैयार करेंगे। इस घोल को हमने जो झाड़ी और जो लकड़ी ली है उस पर अप्लाई करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपने जो घोल तैयार किया है वो इस पर अच्छी तरह से अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो देखिए, मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आप भी इसे बहुत ही आराम से करिए और इसे करने के बाद अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दीजिए। बस जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद हम इस पर आगे की डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। सूखने के बाद ये ऐसे भी बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे ऐसे भी कहीं भी डेकोर कर सकते हैं, पर हम इसे थोड़ा सा कलर करेंगे और इसे एक नया लुक देंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ग्रीन कलर से कलर कर रही हूँ। मैंने जो ग्रीन कलर किया है वो अच्छी तरह से सूख गया है, तो मैं अब इस पर थोड़ा सा ब्राउन कलर कर रही हूँ। ब्राउन कलर करने के तुरंत बाद मैं इस पर लाइट ग्रीन कलर कर रही हूँ। मैंने ब्राउन कलर को सूखने नहीं दिया है। तो बस इस तरह से कलर करने के बाद ये जो हमारा क्राफ्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसे अब अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देंगे। सूख जाने के बाद जो इसका लुक है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इसके बाद हम एक इस तरह का रंगीन पेपर लेंगे और उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इससे फ्लावर कट करेंगे। ये जो रंगीन पेपर है ये बहुत ही आसानी से हमारे लोकल मार्केट में मिल जाती है और ये बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाती है। ऐसे ये जो रंगीन पेपर है आपको 1 रुपए की पीस पड़ेगी, लेकिन अगर आप दर्जन के हिसाब से लेते हो या बल्क में लेते हो तो आपको थोड़ी और भी सस्ती पड़ जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको हर चीज़ ऑनलाइन परचेज करने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन सस्ती नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसे ऑनलाइन परचेज ना करके एक बार अपने लोकल शॉप में ज़रूर देखें। आपको अगर लोकल शॉप में भी सस्ती नहीं पड़ती है तब आप उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फ्लावर के बीच में इस तरह से कट करने के बाद मैंने वहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाया है और एक स्टोन को मैंने चिपका दिया है। इसके बाद मैं ग्रीन पेपर लूंगी और इससे लीव्स कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बना रहे हैं इस क्राफ्ट को बनाने में हमारे बहुत ही कम पैसे लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्राफ्ट में जो हमने बॉल पुटी और फेविकॉल यूज किया है वो हमारे 10 रुपए में आ जाएगी और जो कलर यूज किया है वो तो 1-2 रुपए में आ जाएगी। और जो हमारे पेपर इसमें लगे हैं वो मुश्किल से 4 पेपर लगे हैं, तो 4 पेपर 4 रुपए में आ जाएगी। तो ये जो हमारा क्राफ्ट है वो अंडर 20 रुपीज़ है। तो है ना, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली क्राफ्ट। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इतने सारे फ्लावर और इतने सारी पत्तियाँ बना के रख ली है। तो अब हम इसे इस पर चिपकाएंगे। इसे चिपकाने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फेविकॉल है तो आप फेविकॉल का यूज कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू है तो फैब्रिक ग्लू का यूज कर सकते हैं, या कोई भी ग्लू है तो आप उससे इसे बड़ी ही आसानी से चिपका सकते हैं। आप इसे ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, लेकिन अगर आप जब इसे ग्लू गन से चिपकाइएगा तो आपका जो क्राफ्ट का कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये फ्लावर बहुत ही आसानी से किसी भी ग्लू से चिपक जाते हैं, बस ग्लू गन से थोड़े जल्दी चिपक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। देखिए, मैंने इस तरह से इसे डेकोर किया है। इस दिवाली आप भी इस क्राफ्ट को ज़रूर बनाएं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।